बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप इसकी जांच कीजिए, और अगर आयोग की गलती की वजह से जो दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड कैटेगरी में 3% आरक्षण है उसके तहत आपने काउंसलिंग में रिजल्ट नहीं दिया है तो आप इस भूल को सुधार कीजिए और दिव्यांग कैटेगरी का 3% जो आरक्षण है उसके तहत आप रिजल्ट दीजिए, उनका काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि ये लोग हैंडीकैप्ड हैं और एक तो भगवान ने इन लोग के ऊपर इतना कष्ट दे दिया है कि बचपन से ये लोग जन्म से कष्ट झेल रहे हैं, और दिव्यांग हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी ये लोग पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं और 7.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, 7.5 सालों से ये लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय लेवल की जो काउंसलिंग चल रही है इसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर एक वीडियो रिलीज कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह 3% आरक्षण जो कि हैंडीकैप्ड विद्यार्थियों को मिला था, परीक्षार्थियों को मिला था, उसको इस काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, अभी बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का जो काउंसलिंग चल रहा है, इस काउंसलिंग में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय उभर कर सामने आ रहा है, और ये विषय है दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड विकलांग परीक्षार्थियों से संबंधित है। दिव्यांग कैटेगरी के जो परीक्षार्थी हैं, इन लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे इनको जो आरक्षण मिला है 3%, श्रेणी बी के पदों के लिए 3% आरक्षण इस बहाली में मिला है, तो इस आरक्षण के तहत इनके कैटेगरी में रिजल्ट ही नहीं दिया गया है, यानी कि काउंसलिंग में 3% आरक्षण को शामिल ही नहीं किया गया, ऐसा दिव्यांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं इनका कहना, और एक दो स्टूडेंट्स का कहना नहीं है, सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ऐसा कहना, और मेरे पास काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही, जैसे ही काउंसलिंग का लिस्ट आया था उस समय से मेरे पास फोन आ रहा था और सैकड़ों स्टूडेंट्स का फोन आ चुका है, और ये लोग काउंसलिंग सेंटर पर जाके भी हर रोज पता कर रहे हैं कि हर रोज कितना लोग अपीयर हो रहे हैं दिव्यांग कैटेगरी के, और प्रथम दिन तो मैं खुद भी था तो मैंने भी देखा कि 2-3 लोग ही थे जो दिव्यांग कैटेगरी के थे, लेकिन हो सकता है कि उनका रिजल्ट दिव्यांग कैटेगरी में न देके उनका SC ST या OBC कैटेगरी या जनरल में ही रिजल्ट हो, और अभी तक जो काउंसलिंग हुआ है उसमें भी दिव्यांग लोगों की संख्या ना के बराबर है, बहुत कम है, हर रोज 3-4-5 लोग ही काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो इनका जो कहना है वो लगता है कि कहीं ना कहीं सही है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आयोग की गलती की वजह से इन लोगों का जो 3% आरक्षण दिया गया है तो उस आरक्षण के तहत इन लोगों का काउंसलिंग में शामिल ही नहीं किया गया हो सकता है आयोग की गलती हुई हो, क्योंकि 1218 अभ्यर्थियों का जब PT मुख परीक्षा टाइपिंग फिजिकल सारा चीज होने के बाद PT का रिजल्ट दिया जा सकता है 1218 का, और BSSC ये कहती है कि ये भूल की वजह से ऐसा हुआ था, छूट गया था, तो हो सकता है फिर से एक भूल BSSC ने कर दिया हो और हैंडीकैप्ड कैटेगरी का रिजल्ट ही नहीं दिया गया हो, तो BSSC के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप इसकी जांच कीजिए, और अगर आयोग की गलती की वजह से जो दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड कैटेगरी में 3% आरक्षण है उसके तहत आपने काउंसलिंग में रिजल्ट नहीं दिया है तो आप इस भूल को सुधार कीजिए और दिव्यांग कैटेगरी का 3% जो आरक्षण है उसके तहत आप रिजल्ट दीजिए, उनका काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि ये लोग हैंडीकैप्ड हैं और एक तो भगवान ने इन लोग के ऊपर इतना कष्ट दे दिया है कि बचपन से ये लोग जन्म से कष्ट झेल रहे हैं, और दिव्यांग हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी ये लोग पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं और 7.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, 7.5 सालों से ये लगे हुए हैं, हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी ये लोग धैर्य रखे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में इनको जो आरक्षण मिला है 3%, और उस आरक्षण के तहत अगर रिजल्ट नहीं दिया जाता है, उस आरक्षण को अगर शामिल नहीं किया जाता है तो ये बहुत ही अमानवीय होगी और बहुत बड़ा अपराध होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, और ये लोग जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं इनका जो 3% आरक्षण है उसके तहत इनका रिजल्ट दिया जाना चाहिए, अगर आयोग से छूट गया है तो आयोग इस पर संज्ञान ले और इसकी जाँच करवाएं, और अगर छूट गया है, गलती से भी छूट गया है, तो जल्द से जल्द 3% आरक्षण के तहत दिव्यांग कैटेगरी का रिजल्ट दें, उनका काउंसलिंग करवाया जाए, और सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप मानवीय रुख अपनाइए और दिव्यांग कैटेगरी का जो समस्या है उनका समाधान कीजिए, इन लोग की जो चिंता है उस चिंता को दूर कीजिए, और एक बार आप अपने स्तर से जाँच करके देखिए कि कहीं आयोग से गलती तो नहीं हुई है, गलती से छूट तो नहीं गया है, क्योंकि बहुत कम लोग दिव्यांग लोग जा रहे हैं काउंसलिंग में,
और हो सकता है कि ये लोग अपनी कैटेगरी में हो भी नहीं, दिव्यांग कैटेगरी में हो भी नहीं, एससी एसटी ओबीसी या जनरल में हो, तो इन लोग का जो 3% आरक्षण है श्रेणी बी के पदों के लिए, तो उस आरक्षण के तहत 3% जो आरक्षण है उसके तहत भी इन लोगों का रिजल्ट होना चाहिए था और काउंसलिंग होना चाहिए था। तो इस पे आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि इस पे आप संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इस पे आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। आप देखिए अगर गलती हुई है तो उसको सुधार कीजिए। और इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र की जो बात है वो आप 2014 से पहले 14 का हो, 2014 से पहले का हो या 18 का हो, 20 का हो, 21 का हो, यानी जिनके पास जो हो उनको एक्सेप्ट कीजिए, मानवीय रुख अपनाइए, क्योंकि आपने सीजीएल 2 में खुद ही 2018 में काउंसलिंग हुआ था और 2018 का आपने एनसीएल जाति प्रमाण पत्र एक्सेप्ट किया था सीजीएल 2 में, और उस विज्ञापन में भी वही चीज लिखा है जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के विज्ञापन में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी इस संबंध में आदेश है। तो फिर आप अपने ही बातों से कैसे मुकर सकते हैं? आप जब एक बहाली में आप करंट ईयर का एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी बहाली में जो कि उसी के साथ आई थी बहाली, उसी वही चीज विज्ञापन में लिखा है जो द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली में लिखा हुआ था, तो फिर आप अलग अलग दोनों बहाली में क्यों कर सकते हैं और क्यों कीजिएगा? ये तो बिल्कुल अमानवीय होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक भी सीट खाली नहीं रहे इस चीज का ध्यान रखिए अध्यक्ष और सचिव महोदय, क्योंकि 7.5 साल लंबा समय होता है, काफी दुख तकलीफ को ये लोग झेल रहे हैं परीक्षार्थी, इसलिए एक भी सीट खाली नहीं रहे। और अगर सीट खाली बचती है तो सेकंड लिस्ट आप काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट जल्द निकालिए और सेकंड लिस्ट निकालकर उसका भी काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाइए। और जो हर रोज फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं तो उसका भी फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। फॉरेंसिक जांच के बाद अगर कुछ सही पकड़े जाते हैं कि वो सही है उम्मीदवार, तो उनका भी काउंसलिंग करवाइए। किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर फर्जी है तो उनपे कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से आप कीजिए, लेकिन फॉरेंसिक जांच आप जरूर करवाइए ताकि आपके सिस्टम में गलती की वजह से कोई सही उम्मीदवार जो है फर्जी ना हो जाए, फर्जी घोषित ना हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखिए कि किसी भी छात्र या छात्रा के साथ अन्याय नहीं हो। और अगर जो फर्जी है उनपे निश्चित रूप से आप कानूनी कार्रवाई कीजिए और मानवीय रुख अपनाते हुए दिव्यांग कैटेगरी का आप देखिए जांच कीजिए। अगर रिजल्ट छूट गया है तो उनका 3% जो आरक्षण है उसके तहत आप रिजल्ट दीजिए और उनका काउंसलिंग करवाइए। धन्यवाद। चाहे तो आपने सुना कि किस तरह प्रथम इंटर स्तरीय बीएसएससी की जो काउंसलिंग की गई है इसमें 3% जो आरक्षण हैंडीकैप्ड विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों को मिला था वो जो है अब इसमें शामिल नहीं किया गया है। छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे में उनकी इस जो मांग को है दिलीप कुमार ने वीडियो के जरिए जो है काउंसलिंग के अधिकारियों को रखने की कही है कि किस तरह 3% जो आरक्षण दिया गया है उसको खत्म ना किया जाए और उन परीक्षार्थियों को इस काउंसलिंग में भी शामिल किया जाए। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।